गैर जमानती वारंट पर फरार बीजेपी नेता की गुंडई देखने को मिली है। जाने की घाट गांव के पूर्व प्रधान ने दिखाई दबंगई। संजय प्रधान के होटल सनराइज में मारपीट का मामला सामने आया है। रिसेप्शन पर बैठे युवक को 30 से 40 लोगों ने पीटा है। दबंगई का वीडियो सनराइज होटल की सीसीटीवी में कैद हुआ है। सीसीटीवी में कैद होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। देखिए, आपको बता दें कि सीसीटीवी पुलिस को दिखाया गया, लेकिन उसके बाद भी पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। शिव ढाबा मामले में बीजेपी नेता के खिलाफ जारी है NBW। संजय प्रधान और उसके 3 साथियों पर गैर जमानती वारंट। संजय प्रधान पर जानी पुलिस मेहरबान है और नहीं हुई कोई भी कार्रवाई। गाड़ी पर एक सत्ताधारी विधायक का स्टिकर लगा करके घूमता है संजय प्रधान। पुलिस मामले को दबाने में जुटी हुई है। और आपको ये बात जानकारी दे दे कि संजय प्रधान पर कब होगी कार्रवाई, ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। जानी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहाँ पर प्रधान पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मेरठ से बड़ी खबर और अहम जानकारी आपको बता रही है, जहाँ पर गुंडई देखने को मिली है। देखिए, ये सीसीटीवी जो होटल में लगा था, वो सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है। किस तरीके से रिसेप्शन पर बैठे युवक को पीटा गया है और ये वहाँ पर लगे सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो जाती है, जिससे पुलिस को दिखाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। बड़ी खबर और अहम जानकारी मेरठ से ये आपको दे रहे हैं। साथ ही आपको ये जानकारी दे दे कि पहले ही मामला दर्ज भी बताया जा रहा है कि पहले भी मामला दर्ज और अब एक बार फिर से बीजेपी नेता की गुंडई देखने को मिली है। गैर जमानती वारंट पर फरार बीजेपी नेता की गुंडई देखने को मिली है। जानी के घाट गांव के पूर्व प्रधान ने दबंगई दिखाई है। संजय प्रधान के होटल सनराइज में मारपीट का मामला सामने आया है। रिसेप्शन पर बैठे युवक को 30 से 40 लोगों ने पीटा है और दबंगई का वीडियो सनराइज होटल में लगे सीसीटीवी में कैद हो चुका है। सीसीटीवी में कैद होने के बाद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। शिव ढाबा मामले में बीजेपी नेता के खिलाफ पहले से ही जारी है NBW। देखिए, आपको बता दें कि संजय प्रधान और उसके 3 साथियों पर गैर जमानती वारंट जारी है। संजय प्रधान पर जाने पुलिस मेहरबान है और कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। गाड़ी पर एक सत्ताधारी विधायक का स्टिकर लगाकर भी संजय प्रधान घूमता है। पुलिस मामले को दबाने में जुटी हुई है। रसूखदार संजय प्रधान पर कब होगी कार्रवाई, ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, पुलिस इतनी मेहरबान क्यों है, कब कार्रवाई की जाएगी। 30 से 40 लोग पहुंचते हैं, रिसेप्शन पर बैठे युवक के साथ मारपीट करते हैं। पूरी मारपीट का जो मामला है, मारपीट की जो घटना है, वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। दबंगई का वीडियो सनराइज होटल के सीसीटीवी में कैद हुआ है। सीसीटीवी में कैद होने के बाद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है, कोई भी कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की जा रही है, बल्कि मामले को दबाने की पूरी कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। गैर जमानती वारंट संजय प्रधान और उसके 3 साथियों पर गैर जमानती वारंट भी है और संजय प्रधान पर पुलिस मेहरबान। ज्यादा जानकारी के साथ मेरठ से अतुल शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अतुल, देखिए, सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मामले को समझने के बाद यही खड़ा होता है कि आखिरकार क्यों मेरठ पुलिस संजय प्रधान पर इतनी मेहरबान है, जब सीसीटीवी भी सामने दिखा दिया गया है, उसके बाद भी पुलिस की तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं, क्यों मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। देखिए, मेरठ के भाजपा नेता के कारनामे लगातार देखने को मिला है, उसके बावजूद देखा जाए सीसीटीवी में घटना कैद है, उसके बावजूद मेरठ पुलिस कहीं ना कहीं संजय प्रधान पर मेहरबान है। देखिए, संजय प्रधान का सनराइज होटल है जहां पर मारपिटाई होती है, जो होटल स्वामी है उसके साथ मारपिटाई की जाती है। 30 से 40 लोग पहुंच करके मारपिटाई करते हैं, घटना सीसीटीवी में कैद होती है। रिसेप्शन पर बैठे युवक से लाठी डंडों से बार किया जाता है। सारी घटना कैद होने के बावजूद मेरठ पुलिस 3 दिन से मामले को दबाए बैठी है, किसी भी तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। उससे पहली बात की जाए, सिवा ढाबे पर एक युवक को जबरन मरना पड़ा, लगातार देखा जाए तो इस तरह की घटना देखी जा रही है कि संजय प्रधान मौके पर पहुंचा था अपने युवकों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। वहां पर दिल्ली से आए 3 युवक खाना खा रहे थे, दाल में नमक तेज होने के कारण उससे शिकायत की जाती है, जिसके बाद संजय प्रधान और उसके साथी वहां युवकों के साथ मारपिटाई करते हैं। एक युवक अपना जान बचा करके भागता है, उसको गाड़ी में जबरन डालते का सीसीटीवी वायरल होता है। उसके बाद मेरठ पुलिस गैर जमानती वारंट लेती है, NBW लेती है, और उसके बाद तीनों लोग जो है वो
फरार नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। मेरठ में होते हुए पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती है और गैर जमानती वारंट लेने के बाद भी मेरठ पुलिस मामले को ठंडे बस्ते में डालकर रखती है। इसी तरह से अगर कारनामों की बात की जाए, एक युवक की जान गई थी, यहाँ पर एक युवक के साथ मार पिटाई की गई है। घाट से पूर्व प्रधान है संजय प्रधान और लगातार देखा जाए अपनी गाड़ी पर, देखिए हाईकोर्ट का आदेश है किसी भी तरह से विधायक का और लाल बत्ती लगा करके गाड़ी में नहीं घूमा जाए, उसके बावजूद विधायक का स्टीकर लगा करके संजय राणा प्रधान जो पूर्व प्रधान है वो लगातार क्षेत्र में घूमता हुआ नजर आता है, लेकिन मेरठ पुलिस बिल्कुल अतुल संजय प्रधान लगातार क्षेत्र में घूम रहा है, गुंडई सामने आ रही है लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है जब मेरठ पुलिस का ऐसा कारनामा सामने आया, मेरठ पुलिस की तरफ से अक्सर यही देखा जाता है कि कार्रवाई नहीं होती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।